हेलो गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग। और अभी ना मैं स्कूल से उसी दिन का, मतलब जिस दिन स्कूल से मैं आई हूँ उसी टाइम का है। दोपहर हो गई और जल्दी जल्दी लंच प्रिपेयर करना है। देख रहे हैं पूरा मेस हो गया है किचन। जल्दी जल्दी हड़बड़ी में मैं गई थी, तो जल्दी जल्दी चलिए किचन का काम करते हैं। अभी दाल रखें और आजकल आम का टाइम है, तो दाल में ना आम डाल दीजिए तो बहुत टेस्टी लगता है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी लौकी और दाल डाल देती हूँ। तो चलिए फटाफट से काम करते हैं, नहीं बातों बातों में समय चला जाएगा और खाना भी तैयार नहीं हो पाएगा मेरा। और बच्चों की तो समर वेकेशन हो गई है, तो बच्चे फुल टू मस्ती में हैं। उनका नहीं है लेकिन हस्बैंड का तो टाइम से है ना, गर्मी लग रही थी तो मैं आई हूँ चेंज करके ना, नाइटी भी डाल ली हूँ। तो पहले दाल रख देते हैं ना, फिर उसके बाद हमारी भिंडी की भुजिया तैयार है। लेकिन हस्बैंड के लिए एक और मैं दूसरी सोच रही हूँ ना, करेले की थोड़ी सी भुजिया बना देती हूँ। चलिए गाइस, साथ में किया जाए गाइस। और आप लोग बताइएगा, आप लोगों के यहाँ भी बीच बीच में बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ तो क्या होता है ना, पंतनगर में जैसे दो दिन बारिश, खूब गर्मी, बहुत प्रचंड गर्मी जैसे पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है ना, तो क्या होता है ना कि फिर बारिश हो जाती है तो मौसम ठंडा हो जाता है। तो हमारे यहाँ गर्मी तो नहीं पड़ती है, लेकिन जो बारिश के टाइम में जो हमारे यहाँ उमस होती है ना, तो वो तो भयंकर होती है। वो तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, कहीं नहीं लगता है, बस घर में बैठे रहो। तो आप लोग भी बताइए गाइस, आप लोगों के यहाँ कितना टेम्परेचर जा रहा है और कैसा मौसम रह रहा है, बताइएगा कमेंट करके। हमारे यहाँ तो मौसम अच्छा हो रहा है लेकिन धूप तेज, आज तो धूप हल्की है और साथ में ना हवा भी चल रही है, तो मौसम अच्छा हो रहा है। आज हम लोग गए थे ना, जरा सी गर्मी नहीं लग रही थी। अभी किचन में भी ना गर्मी जैसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पसीना टपक रहा हो, वैसा नहीं है। इसीलिए गाइस हम लोग ना गर्मियों में जाना थोड़ा कम अवॉइड करते हैं कहीं सफ़र, क्योंकि हर जगह तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, और बच्चे अभी रह भी नहीं पाते हैं। और बच्चे बोल रहे थे छुट्टियाँ हो गई हैं, चलिए नानी के घर, सब लोग अपनी नानी के पास जा रहे हैं। हम बोले हमारी तुम्हारी नानी के यहाँ तो गर्मी पड़ती है, वहाँ तुम लोग रह पाओगे नहीं। और बाहर तो बच्चे निकलेंगे ही गाइस, कितना भी हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि घर ही में रहेंगे। और बाहर निकलते हैं ना, वहाँ 7 बजे तक भी इतनी लू चलती है, लू लग जाती है बच्चों को, और वो जो हीट स्ट्रोक होती है ना, हर जगह गर्म गर्म सा रहता है, वो बच्चों को लग जाती है। इसीलिए हम लोग तो बस छठ पूजा के ही समय जाएंगे, दिवाली और छठ पूजा मना के और फिर घर से आएंगे। थोड़ा सा इसमें ना मसाले डाल दीजिए तो टेस्टी बनता है। बच्चों को ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है, वो खट्टी खट्टी सा जो स्वाद आता है ना गाइस, आम की वजह से। मैं आप लोगों को रेसिपी बताऊंगी आम की, अगर आपके यहाँ आम हो रहा है ना, तो या आप आम मार्केट से भी आम मंगा के अमरख बना सकते हैं। आम का मतलब खटाई जैसा बना के उसमें मसाले लपेट के आप इसको साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और जब भी दाल बनाए ना उसमें आप डाल दीजिए तो बड़ा टेस्टी सा बनता है गाइस। कल मैं खोज रही हूँ कि कहाँ रह गया। हेलो गाइस, और अभी शाम हो रही है और मैं ना सोच रही हूँ अभी ही सब्जी बना लूँ, क्योंकि मुझे जाना है कहीं वैभव लक्ष्मी के उद्यापन में, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी, फिर आने में ना लेट हो जाता है, तो फिर सब्जी बना के जाऊँगी और बस रोटी बनानी रहेगी। तो गाइस ये मैं रेडी हो गई हूँ, और ये मैं हाथ दिखा रही थी ना, मैं सोची कि फोटो खींचने के लिए, लेकिन वो तो रिकॉर्डिंग पे है लुक, तो ये मैं तैयार हो गई हूँ जाने के लिए उसमें उद्यापन में, जो वैभव लक्ष्मी माता का करेंगी, भाभी जी मेरे पड़ोस में हैं, और अब मैं जा रही हूँ उनके घर, और फिर मिलते हैं वहाँ से आने के बाद, फिर मैं आपसे बातें करूँगी। हेलो गाइस, तो देखिए अभी मैं ना पूजा में से आ गई हूँ, और वैभव लक्ष्मी माता का ना पूजा था वहाँ पे, तो हम लोग तो खाना वाना खा के आए हैं और बस ये लोग के लिए रोटी सेंकनी बाकी है, और बच्चे कर रहे हैं पढ़ाई। हाँ, वो लाइब्रेरी।
तो गाइज ये देखिए अब मॉर्निंग हो गई है और ये ना मैं शाम बाहर ना बरामदे में कुछ वो जो वुडन प्लैंक होती है ना वो मैं लगाई थी, तो उसको कल डॉगीज पे न्यूज़पेपर खींचने के चक्कर में इस पर मैं प्लांटर्स रखती हूँ खींच के नीचे कर दिया था, तो फिर मैं उसी को सही की और थोड़ा सोची ना कि आज झाड़ भी दूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया और ये जालियों पे ना पूरा डस्ट आके आजकल बहुत आंधियाँ आ रही हैं, मतलब अंधड़ आ जा रहा है, तो उसकी वजह से ये सब थोड़े थोड़े दिनों पे ना हफ्ते 15 दिन पे साफ़ करना पड़ता है। तो मैं सोची कि आज चलो झोल भी मार दूँगी, सब काम भी कर दूँगी, क्योंकि आज से तो बच्चों की छुट्टी है, तो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने से ना सब सही रहता है, नहीं तो रोज़ तो मतलब बच्चों को भेजना ये सब थोड़ा हैक्टिक हो जाता है। तो मैं सोची ये सब एक्स्ट्रा काम करती हूँ और अब जब बाहर करने लगी ना, और अभी ब्रेकफास्ट में टाइम था, मतलब अभी तो 7:30 ही बजे थे, तो मैं सोची कि चलो आज झोल घर में भी सफाई कर लेते हैं, और सैटरडे भी था तो मैं सोची कर लेते हैं, और फिर मैं खिड़की दरवाजे भी पोछूंगी और थोड़ा सा बच्चों को भी इन सब कामों में लगाऊंगी। इससे ना बच्चों को भी इंटरेस्ट बढ़ता है और थोड़ी देर ना बच्चों को मोबाइल टीवी इन सब से दूर करने का ये अच्छा तरीका भी है कि बच्चों का जिस और चीज़ों में इंटरेस्ट है ना, जैसे मेरे बच्चों को ना क्यारी में पौधे लगाने में और मतलब इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो गाइज अभी मैं किचन में आ गई हूँ, सब घरों को ना ऊपर से साफ कर दी हूँ, और अभी ना ये देखिए मैं गर्म पानी में ना थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डाल के और इसको डिप की हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद धुलूँगी, और तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिए आज सोच रही हूँ ना कि सब खिड़की दरवाजे भी पोछ दूँगी, थोड़ा डस्टी हो चुका है तो इसीलिए। ये देखिए नाश्ता किए हैं और ये हमारा स्पोर्ट्समैन तैयार हो रहा है स्पोर्ट्स करने के लिए, आज दिन भर बस फुटबॉल खेल रहा है, साइकिल चला रहा है, और एक बच्चा दीवाना जो है टीवी का बस टीवी देख रहा है, देख लीजिए। और ये देखिए सारे कपड़े ना, इन लोगों के कपड़े तह किए थे मैंने रख दिए, आज मैं बोली ना हाँ वही बच्चे ही तह किए थे, तो अब मैं सोच रही हूँ ना कि थोड़ा थोड़ा बच्चों को ना। गाइस जो जैसे कि गर्मियों की छुट्टियां होती हैं ना, तो मैं यही सोची हूँ कि धीरे धीरे ना बच्चों को ये सब भी सिखाऊंगी कि जैसे सेल्फ डिपेंडेंट बनना, अपने जो हैं सारे काम करना, कपड़े फोल्ड करना, अपना मतलब जहाँ बुक्स कॉपीज रखते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना, ये छोटे छोटे से काम जो वो खुद कर सकते हैं वो उनसे मैं कराने का सोच रही हूँ और धीरे धीरे सिखा भी रही हूँ। जैसे आज इन लोगों को मैंने बोला ना कि अपने कपड़े फोल्ड करो, और अभी मैं बोल रही थी कि खिड़की दरवाजे में गीला कपड़ा दे दूँगी आप लोग पोछोगे, तो इससे ना बच्चों के अंदर आएगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना है और सेल्फ डिपेंडेंट भी बनेंगे, नहीं तो गर्मियों की छुट्टियों का क्या मतलब है अगर एक्स्ट्रा और ये सब ना सीखें तो। और ये सब सिखाना बच्चों को ना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। और एक ज़रूरी बात गाइज मैं आप लोगों के संग शेयर करने वाली हूँ कि जैसे आजकल के बच्चे ना जैसे कुछ भी मतलब इतनी सोच उनकी वैसी हो रही है ना कि कुछ भी हो रहा है, जैसे लड़ाई आप बच्चों की आपस में आप खेलेंगे तो सभी लड़ाई तो ऑब्वियस है कि लड़ाई करेंगे ही कुछ, क्योंकि सबके नेचर मैच नहीं होते हैं, सबकी थिंकिंग अलग होती है, लेकिन जब लड़ाई के दौरान बच्चे जो भी कॉन्वर्सेशन होता है या जो भी बातें एक दूसरे को बोलते हैं ना, वो इतना सोच के मुझे तो इतना मैं सरप्राइज्ड हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कल एक बच्चा ऐसे ही बोलने लगा, अरे मेरे पास तो ये है वो है, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो मेरे से ये हो, गरीब हो, ये हो। तो देखिए हम मुझे जितने भी पेरेंट्स सुन रहे हैं, मेरी उन पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चों के अंदर ये भावना आ रही है ना तो उनको चेंज करना या उनको समझाना, प्यार से ही समझाना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम कुछ खरीदते हैं नया है तो कल पुराना होगा ही, और ये दुनिया में कोई ऐसा नहीं कि रोज़ रोज़ नया ही कुछ कर सके। लेकिन बच्चों के अंदर सोचिए एक दूसरे को ये सब कहना कि अरे तुम्हारे पास तो पुराना है, तुम्हारे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो ये है,
ये सब सोच के ना थोड़ा सा लगता है, देखिए किसी के पेरेंट्स ये सब नहीं सिखाते हैं, ये सब बच्चों की है जो मतलब अपने आसपास के माहौल में या क्लास में या उनके फ्रेंड सर्किल में जैसी वो लोग सोच रखते हैं, क्या देख रहे हैं उससे ये पता चलता है। तो ये सब देखिए बच्चों को ना मॉरल साइंस नैतिक शिक्षा देना ना हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम अब पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को ना एक मतलब अच्छी शिक्षा दें, और साथ में ही बस बुकिश नॉलेज की बजाय हम उनको ना जैसे बुकिश नॉलेज ही ना बस बच्चों को हो, उनको ये सब का भी ज्ञान हो, समाज में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, किसके संग कैसे बिहेव करना है। तो यही मुझे लगा कि सारे पेरेंट्स को इसके बारे में अगर मुझे कुछ ऐसा फील होता है मुझे आसपास, तो मुझे ज़रूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से ना कई सारे पेरेंट्स के संग कम्युनिकेट कर सकती हूँ। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आजकल के मेजॉरिटी बच्चों की ऐसी है, ऐसा मैं नहीं कह सकती कि सारे ही हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऐसी है बच्चों की जो इस राह पे चल रहे हैं, जैसे शो ऑफ करना आजकल के बच्चों के अंदर आ गया है कि मेरे पास ये है वो है, और दिखावे वाला चीज़ें बहुत आ गई हैं। इन सब से ना थोड़ा बच्चों को दूर रखना चाहिए। और भी अगर आपको जैसे कभी लगता है तो मतलब अब्यूज़ कर रहे हैं या मुंह से गलत बातें निकाल रहे हैं किसी के लिए भी, हंसी में ही अगर किसी के लिए भी गलत बोल रहे हैं प्री अजम्पशन करके, वो ये कर रहा होगा, ये यहाँ जा रहा है, ये कर रहा है, वो सब चीज़ें गलत हैं। और ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों का माहौल देखें, वो किनके संग उठ बैठ रहे हैं, वो कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम तो वो हमारे संग घर पे रह रहे हैं, तो अगर वो बोले तो उनको तुरंत टोकिए, उनको करेक्ट करिए। तो यही सब चीज़ें हैं जो मुझे लग रहा था कि मतलब हम सब पेरेंट्स की ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और लड़कों के प्रति तो और भी ज़्यादा, क्योंकि लड़कों को ना हम थोड़ी ज़्यादा ही फ्रीडम देते हैं, उनको बाहर छोड़ देते हैं, वो खेल रहे हैं तो हम उतना ज़्यादा उन पे ध्यान नहीं देते कि अरे लड़के हैं खेल लेंगे। तो इसीलिए अगर हम लड़कों को अच्छी राह सिखाएंगे ना, अच्छी बातें सिखाएंगे ना, तो हमारा समाज और अच्छा होगा। तो ये सब हम पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है, किसी भी लड़कियों से ज़्यादा हमें अपने लड़कों को सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर समाज में सबसे ज़्यादा बाहर जो रह रहे हैं लोग वो लड़के ही ज़्यादा हैं, लड़कियों से लड़कियां कम निकलती हैं, अगर निकलती भी हैं तो परसेंटेज कम है लड़कों की मतलब कंपैरिजन में। इसलिए लड़के अगर हमारे अच्छे रहेंगे, वेल मैनर्ड रहेंगे, उनको नैतिक शिक्षा अपने संस्कारों के बारे में पता होगा ना, तो हमारा समाज और भी बेहतर बनेगा। तो यही सब बातें थी जो गाइस मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है शेयर करना, और सारे पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और बुकिश नॉलेज के अलावा ये सब चीज़ें भी उनके अंदर मॉरल्स दें, संस्कारों का मतलब थोड़ा भगवान के प्रति आस्था, पूजा पाठ और सबकी रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें ना अपने देश के प्रति, अपने मतलब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस, ये सब चीज़ें ना हम पेरेंट्स को ही सिखाना पड़ेगा कि कोई भी वेस्टेज, अपनी अर्थ प्लैनेट को कैसे सेव करना, ये सब चीज़ें। तो गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, और इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा व्लॉग, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और हाँ अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।